जितने भी अभी आपका सीएससी केंद्र वाले हैं यानी कि प्रज्ञा केंद्र वाले हैं उन लोग के लिए नया अपडेट आ चुका है। अब आप लोग भी झारखंड मैया सम्मान योजना का फॉर्म अपना केंद्र से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको कैंप जाने का जरूरत नहीं, यानी कि पहले कहा गया था कि जिन जो कैंप में जाके आवेदन करेंगे वही आवेदन कर सकते हैं और आप अपना सीएससी से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है आप अपना सीएससी सेंटर से ही, जहां आप अपना सीएससी सेंटर खोले हैं, प्रज्ञा केंद्र खोले हैं, वहीं से ही आप किसी भी कस्टमर का किसी भी आवेदक का आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आप अपना आईडी लॉगिन करके चेक कीजिए कि आपका भी जो फॉर्म है, मतलब आपका भी जो लॉगिन है वो होने लगा आपका झारखंड मैया सम्मान योजना में। अब आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं अपना सेंटर में बैठ के। अब देखिए यहाँ पे ये आदेश जारी हो चुका है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिखा दें, साथ ही बीएलई के प्रज्ञा केंद्र से काम करने की स्थिति में उपायुक्त तो द्वारा आवश्यक कर्मी प्रज्ञा केंद्र में प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र को भी अभी यहाँ पे बोल दिया गया कि आप लोग भी यहाँ से अपना सेंटर से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे उपायुक्त द्वारा आवश्यक कर्मी आपको दिया जाएगा जो आपका प्रज्ञा केंद्र में बैठे हुए रहेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आवेदक आएगा उसको चेक करेगा और उसको आवेदन को लेगा और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने का भी बाध्यता अभी खत्म हो गया, तो आपको बता दें आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना आधार नंबर डाल के और उसका जितना भी डाटा है फॉर्म है फिलअप कर देना है, ऑनलाइन ही करना है। मतलब कि जैसे आधार कार्ड का डिटेल है, पैन कार्ड का डिटेल है, वोटर आईडी का डिटेल है, बैंक पासबुक का डिटेल है, सब आपको ऑनलाइन खाली वहाँ डाल देना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना और ना ही आपका लाइव फोटो लिया जाएगा कस्टमर का। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे अपना सीएससी से ही आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये लेटर कहाँ से जारी हुआ वो भी आप लोग को दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे आज का डेट में ये लेटर जारी हुआ, कल का डेट में ये लेटर जारी हुआ, लेकिन आज से सभी जो सीएससी सेंटर वाले हैं वो काम कर सकते हैं आज से। ये कल का शाम तक का लेटर है, यहाँ पे देखिए मुख्य सचिव के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब आप लोग भी अपना सीएससी सेंटर में ही लॉगिन कर सकते हैं और सभी का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे लिखा आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिले के उपायुक्त द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र पर किसी सरकारी कर्मी प्रतिनियुक्त करे और जो इसे सुनिश्चित करेंगे कि समुचित तरीके से फॉर्म लिए जाएं, इसका एंट्री किया जाए, आवेदक का आवश्यक परेशानी ना किया जाए, मतलब अनावश्यक आवेदक को परेशान ना किया जाए, इसीलिए भेली द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्र अन्य संलग्न अभिलेख सहित उसी दिन शाम तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी आपका प्रज्ञा केंद्र में कस्टमर आएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो भी आवेदिका आएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और उसका हार्ड कॉपी जो वो फॉर्म भर के आपको देगा साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा के देगा उसको आपको रख लेना है और रख के उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद शाम को सारा फॉर्म एक बार में सबका ले जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक में जाके आपको जमा करना पड़ेगा। जितने भी आप अप्लाई कीजिएगा सभी का, और अप्लाई आप जब कीजिएगा तो सभी का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी यहाँ पे नोटिस दिया गया है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे कहा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार झा भी इन बिंदुओं पर समग्र विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही भेली के प्रज्ञा केंद्र से काम करने की स्थिति में उपायुक्त द्वारा आवश्यक कर्मी प्रज्ञा केंद्र में प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर देखिए आगे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक नंबर कह रहा है ई ऑथेंटिकेशन, सीएससी ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट आदि की समस्या का त्वरित निदान जेप्ट आईटी द्वारा किया जाए। इस कार्य में सीएससी यूआईडी एनआईसी के प्रतिनिधि से भी सहयोग का अनुरोध किया गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे जो अपलोड किए जा रहे डॉक्यूमेंट के लोड को कम करने के ख्याल से निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को पोर्टल में अपलोड करने की बाध्यता को भी रिलैक्स कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता था स्कैन करके आपका इसमें ऑनलाइन करना पड़ता था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता था ऑनलाइन ही, तो उसको भी अब अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का भी बाध्यता को खत्म कर दिया गया। अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है स्कैन करके, सिर्फ उसका आधार ऑथेंटिकेशन करना है और अपना प्रज्ञा केंद्र में घर बैठे जहाँ भी आप अपना सेंटर खोले वहाँ ही
आप अपना इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कस्टमर का, और सबको वहाँ पे ऑनलाइन करके आप पावती रसीद दे सकते हैं भर के। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सारा डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर ब्लॉक में जमा करना पड़ेगा। और प्रज्ञा केंद्र का आपका आईडी जो है, आप आईडी अपना लॉगिन करके देखिए, अगर आपका आईडी अभी तक लॉगिन नहीं हो रहा, बहुत सभी का ऑनलाइन करने के लिए आईडी लॉगिन हो रहा है, लेकिन किसी का अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट करें और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा वो भी आपको बता देंगे। आप अपना कांटेक्ट करके आईडी को चालू करा सकते हैं। तो आप लोग जरूर से कमेंट करें जिनका आईडी चालू नहीं हुआ है। और देखिए, जो अभी आपका ये अपडेट है, अब आप लोग घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक कर भी दिया जाएगा जो सरकार की तरफ से रहेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और करके जो रिसीविंग होता है वो कस्टमर को देगा, और आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है। तो इसमें अब आपको मौका मिल गया, आप लोग घर बैठे अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको जितने भी अभी देख रहे हैं मेरे भाई बंधु, सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग जाते हैं केंद्र में जहाँ पे कैंप लग रहा है, वहाँ पे कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को जाने का जरूरत नहीं, वहाँ पे भीड़ भाड़ लगाने का जरूरत आपको नहीं है। अब आप कोई भी प्रज्ञा केंद्र में जाके ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक का ही प्रज्ञा केंद्र में जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक तक नहीं पहुंचेगा तो आपका जो ये आवेदन पास नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो भी अपडेट था आपको देने का प्रयास किए हैं। अब जितने भी सीएससी वाले हैं, आप लोग अपना लॉगिन आईडी करके देखिए, और नहीं होता तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।